कहानी है। मैं तब पहली बार गोवा आई थी। गोवा, लैंड ऑफ सन, सैंड एंड लव। यहाँ की हवा में प्यार बहता है। शायद मैं भी किसी की तलाश कर रही थी और बुन रही थी एक इंद्रधनुष, सात रंगों का। तभी उन रंगों से कोई बाहर निकला, समुद्र की नीली छाती पर तैरता निर्भय, माय हस्बैंड। मेरी तलाश पूरी हो गई थी। आज हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं तो गोवा आ गई हूँ, थोड़ी देर में निर्भय भी आ जाएंगे अपनी कहानी के पास। वी विल रीलिव एवरी मोमेंट, कांट वेट। तुम्हारे आने से पहले बहुत काम करने हैं मुझे। बोर्डिंग पास लेके कॉल करना, ठीक है? बाय। हाय। हेलो। Okay, I want a full body massage, rejuvenating. Yes, ma'am. Please attend her. Hello, ma'am. Hi. This way, please. Thank you. I think I should go for
फुल बॉडी स्पा। मैम आप चेंज कर लीजिए। श्योर। हेलो। ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। इतना ट्रैफिक है, यू नो इट्स। तुम कितने इरिटेटिंग हो। मैंने कहा ना मुझे बहुत काम है, अब बोर्डिंग पास लेकर ही कॉल करना। बाय। आप कहाँ से हैं मैम? मुंबई से, लेकिन मैं निर्भय को पहली बार गोवा में मिली थी। निर्भय माय हस्बैंड। तब से हम साथ में हैं और आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। तुम्हारी शादी हो गई? नो मैम। कर लो, मैरिज इज वेरी स्पेशल। तुम किसी की धुरी बन जाती हो, सेंटर ऑफ हिज थॉट्स। महसूस कर सकती हो उस सोच को, दुनिया अच्छी लगने लगती है, रहने लायक। आप लकी हैं मैम, पर सबकी किस्मत में निर्भय नहीं होते। आई ऑल्सो लव समवन, लव विद ऑल ऑफ मी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर उसे कोई और मिल गई और मेरा हिस्सा कम होता चला गया। अब तो मुझे उसका वक्त सिर्फ भीख में मिलता है, वो भी मुझे छूने देता है, पर मैं उसे महसूस ही नहीं कर पाती। बीच में कोई होती है, दिखती नहीं पर वो होती है। धीरे धीरे उसने मेरी सीमाएं बांध दी हैं। ये कर सकती हूँ, ये नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि मुझे भीख नहीं चाहिए। I'm sorry, I really feel bad for you. I'm sorry, ma'am. It's okay. Ma'am, therapy over. Thank you. Ma'am, you have a call. Hello? Boarding card ले लिया है, पर departure में अभी भी एक घंटा बाकी है। अच्छा है, अब एक घंटा मेरे बारे में सोचना। Board करके call करना। Bye. मैम थैंक यू। आप भी बहुत लकी हैं मैम, आप दोनों कहानी और निर्भय लकी कपल। आप लोग गोवा में मिले, गोवा इज लकी। प्लीज टेक दिस। टेक इट। थैंक यू मैम। तुम उसे छोड़ दो, भीख पे मिला प्यार दर्द ज्यादा देता है खुशी का। यू डिजर्व बेटर। थैंक्स फॉर द कंसर्न मैम, पर उसे छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आई लव हिम। ए देना पैसा, पैसा गार्ड दुआ देगा। और दे, और देना। Then down. Yeah. Then down more. पैसा देना और दे। Hey, that's a very nice shot. फोटो लो। क्या है तमाशा हो रहा है यहाँ पे? सर्कस है ये, भाग यहाँ से, निकल। We have paid her. We have paid her for her snaps. भागता है सर, तोड़ दूँ तेरा। ये फोटो खींचने के लिए पैसा दिया है उन्होंने। पैसा दिया है? हाँ। एक मिनट रुक, ये ले, ये मेरे पूरे महीने की कमाई है। इसको दे और बोल यहाँ नंगी हो जाए, मुझे फोटो उतारनी है इसकी। बोल अंग्रेजी में। ही इज टेलिंग
that he is ready to give his monthly salary to you. He is asking you to be naked so that he can click your photographs. Disgusting. Hey, madam, kya ja rahe ho? Come on, let's move. Khaiye. मेरा कोई ना दुनिया में मेरी फोटो उतार दे तो पैसे भी तो देते भगा दिया उनको पता नहीं कहां सिर्फ चार पैसे के लिए अपनी इज्जत बेच देगी तो पैसा ना कमाऊं खाएगी क्या जिंदा कैसे रहेगी जिंदगी रहेगी तो इज्जत का सवाल उठेगा चल निकल निकल मैं जिंदा रखूंगा तुझे इज्जत के साथ अगर तुझे मंजूर हो तो चल अब छोड़ ये क्या कर रहा है ये ले ये मेरी मेहनत की कमाई है हम दोनों जिंदा रह सके इतना कमा लेता हूँ मैं चल आजा आ आजा तेरी तरह मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में लेकिन अब ये बात मैं नहीं कह सकता अब हम है ना एक दूसरे के लिए है ना हाँ मेरा नाम लेख राम है तेरा क्या नाम है बसंती गुड इवनिंग मैम हाय गुड इवनिंग Yes, tell me. बहुत बड़ा नहीं छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत Pretty and gorgeous like me. बहुत खूबसूरत बनाऊंगा मैम पर आप जैसा नहीं बना सकता oh. You know, possible ही नहीं है You are too pretty and way too gorgeous. Thank you. Oh. निर्भय My husband, दो घंटों में आ जाएंगे उससे पहले डिलीवरी हो जाएगी शोमा थैंक यू सो मच मैम हाँ विश यू वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम कहानी माय नेम थैंक यू सो मच गिफ्ट आप तो भूल ही गई शिट हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते फिर कैसे तुम समझ जाती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं वैसे भाषा से क्या फर्क पड़ता है दो प्यार करने वाले दिल तो एक दूसरे को समझ ही जाते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारे यहां कैसे बोलते होंगे लेकिन पता है जब तुम वापस लौट कर आओगी ना तो मैं तुम्हारी भाषा सीख जाऊंगा फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं वन मिनट इज दैट ऑल मैम गुड सुंदर है ना जाना जरूरी है
प्लीज समझो, ही नीड्स मी। रिश्ता क्या है तुम्हारा उनके साथ? क्या हर रिश्ते को नाम देना जरूरी है? मैं तुमसे कल मिलूंगी, ओके? ये जो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आकर चली जाती हो, तुम मेरे अंदर एक गहरी खाई छोड़ जाती हो। और ठीक इसी तरह तुम उस लड़के के साथ भी कर रही हो, सिर्फ इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। Why do we need to choose? आप मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को डिफाइन किया जाए? हर रिश्ते की मर्यादा होती है। तुम चाहो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाओ। कभी मिलने का दिल करे तो जरूर आ जाना। टेक केयर। तुम गए नहीं? कैसे जाता? हर रोज कोशिश करता हूं पर जा नहीं पाता। चलो। Your cake, ma'am. Thank you. Welcome. Wow. हेलो। हे कहानी। गेस करो मैं क्या कर रही हूँ। क्या? तुम्हारी फेवरेट करी बना रही हूँ। मतलब अनदर टू आवर्स। शट अप स्टूपिड, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। टेस्ट कैसा है? यम्मी। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो तो मुझे पता है, कुछ नई बात बताओ। सच तुम मेरे लिए बहुत बहुत लकी हो। पता है क्या हुआ अभी? अभी जस्ट नाउ, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी कहानी। यू वोंट बिलीव इट, इट्स इनक्रेडिबल व्हाट्स जस्ट। अच्छा एक मिनट। अब बताओ क्या हुआ। ओके, तो मैं यहाँ क्यों आया था? एक प्रेजेंटेशन देने। आगे बताओ। क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर जायंट है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देने वाली कंपनीज में से एक। इनफैक्ट यू नो दे आर द बेस्ट, टॉप ऑफ द लाइन। मुझे पता है, आगे बताओ। By chance, company का CEO भी आया हुआ था। मेरे presentation के वक्त वो भी मौजूद था। मुझे पता है कि तुम genius हो। तुमने अपनी company के लिए multi-million deal हासिल कर ली है। Congratulations। अब आगे बताओ। अभी मैं security check के लिए जा ही रहा था, तभी उनका phone आया। लगता है they really liked my presentation। In fact, you know what? They loved it। मुझे offer दिया है 4 गुना ज़्यादा salary। देखना कहानी, अब हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। All our dreams will be fulfilled। वो यहीं आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही। इंटरव्यू लेंगे, शायद यहीं पर जॉब प्रोफाइल बताएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहीं पर साइन करवा लेंगे। तुम ये फ्लाइट पकड़ रहे हो ना? बस इसके बाद वाली, 10:20 वाली, 12 बजे से पहले तुम्हारे पास। तुमने ये फ्लाइट छोड़ दी फॉर अ रेस? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है डैमिट। कहानी किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे सपनों के लिए ना। झूठ बोल रहे हो तुम।
यू आर अ लायर। ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए करते तो इस वक्त फ्लाइट पे होते। कहानी प्लीज यार, तुमने मुझे जानबूझ के ये सब अब बताया जब तुम्हारी फ्लाइट निकल चुकी है। कहानी फॉर गॉड्स सेक मेरी बात तो सुनो। प्लीज डोंट टॉक टू मी, और तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो कहानी। अब क्या बात सुनूं मैं? बेबी आई लव यू। यू डोंट लव मी कहानी। प्लीज प्लीज शट अप, आई डोंट टेक माय नेम। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे फोन मत करना। आई नो यू हेट मी, आई नो आई डोंट एग्जिस्ट फॉर यू। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो, मुझे तंग मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। निर्भय, कौन है आप? किसी का दोस्त, किसी का राजदार, किसी का हमदर्द। दुनिया में हर कोई किसी न किसी का कुछ होता ही है। ये रिश्ते ही तो इंसान की पहचान बनाते हैं। किससे मिलना है आपको? जाहिर है आपके पास आया हूँ तो आपसे ही मिलना है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो, मैं जानता हूँ कि अब आप कहेंगे कि न जान न पहचान एक अकेली औरत देखकर घर में घुसे जा रहे हैं, न हमने आपको बुलाया है न दावत दी है। तो मैं ये कहूंगा कि फूल कभी भवनों से, किनारे कभी लहरों से, और पत्ते कभी हवा को दावत नहीं देते। उनका तो चोली दामन का साथ रहता है जैसे कि अपना है। माय फुट, मेरा रिश्ता और आपके साथ, सर फिरो जैसी बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही फरमाया आपने, सर फिरे ही इतिहास लिखते हैं, समझदार उसे पढ़ते हैं। बंद करो ये लच्छेदार बातें और निकलो यहाँ से। एक अजनबी को देखकर आपका ये घबराना डरना बिल्कुल जायज है। डर को अपना बना लो, दोस्त बन जाता है, दर्द भी बन जाता है। शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अच्छी तरह जानते हो तुम जैसे लफंगों को, अकेली औरत को घर में देखकर घुस जाते हैं और कोई ना कोई कांड कर देते हैं। ये मासूम चेहरा, ये मासूम उम्र, आपको लगता है कोई कांड कर सकते हैं? किस किस्म के आदमी हैं आप? आपने पूछा इसलिए बताता हूँ, बड़ा फक्कड़ किस्म का आदमी हूँ। सुबह सुबह आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊंगा, आपको ढेर सारी दुआएं दूंगा, फिर दफा हो जाऊंगा।
आप बाहर निकलेंगे या बुलाऊं पुलिस को? पुलिस? बचपन में मैं पुलिस से बहुत डरता था, लगता था कि मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, इसलिए उनको देखकर भागने के बजाय उनके बगल में जाके खड़ा रहता था, उनकी खाकी पैंट खींचता था। जैसे ही मेरी तरफ देखते थे तो एक चापलूसी भरी हंसी चेहरे पे लाके सलाम ठोकता था ताकि वो मुझे ना पकड़े। कमाल की पुलिस थी उस वक्त की, एक लाठी लेकर आती थी, 100 लोग भाग जाते थे। अब 100 पुलिस 100 बंदूकें लेकर आती है, कोई नहीं भागता। मिट्टी का बनो ये आदमी। वैसे आप मुझे जानती है, कभी अपने चेहरे से लगाती है, कभी सीने पर रखकर दिल की धड़कनें सुनने पर मजबूर करती है, कभी इतना दबोच देती है कि मैं सांस नहीं ले पाता। ओ शट अप, तुम्हारे जैसे आदमी की जगह है पागल खाना। निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से। पहले ही किस्मत का मारा। अरे निकलो। जान ना पहचान, चले आए। वाह, मेरा आपसे पुराना रिश्ता है। इडियट, ये सब निर्भय के चलते हुआ। वो होता तो किसी की हिम्मत तो होती अंदर आने की। सैलरी हाइक के लिए एयरपोर्ट पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी एनिवर्सरी बुलाकर। अरे किसे चाहिए इतने पैसे, जो है हम उसमें खुश हैं। लेकिन इन कॉर्पोरेट कंपनीज का तो बस एक ही एम है, निचोड़ डालो सबको। 25 साल की उम्र से खून चूसना शुरू करती हैं ये कंपनीज। बस मार्केट और टारगेट, सुबह उठो तो मार्केट, सोने जाओ तो टारगेट। स्क्रीन ताकते ताकते उम्र गुजर रही है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजरे जा रहे हैं। ना कोई रिश्ता, ना कोई अपना, दोस्त है तो बस टेंशन। 42 से 45 साल की उम्र तक जाते जाते मैसिव हार्ट अटैक। क्या हो गया है लोगों को? कभी अपने चेहरे से लगाती है, कभी सीने पर रखकर दिल की धड़कनें सुनने पर मजबूर करती है, कभी इतना दबोच देती है कि मैं सांस नहीं ले पाता। Oh my God, ये मुझसे क्या हो गया? आभास झील और प्रतिबिंब के राइटर नागार्जुन आए और मैं उन्हें पहचान ना सकी, उनके साथ बदसलूकी की। सर, नागार्जुन सर, आई यू देयर सर? मुझसे क्या हो गया? जिनसे मिलने के लिए मैं परेशान थी वो आए और चले भी गए। सर, आई एम सॉरी। सर, सबकी भावनाओं को उनसे मिले बिना अपनी कहानियों में लिख देते हैं और आज वो मेरे सामने आए और मैंने उनके साथ बदसलूकी की। सर, शिट, कहानी बेवकूफियों की वजह से जिंदगी के सुनहरे पल फिसल जाते हैं। तो क्यों फिसलने देती हो ऐसे पलों को जो जिंदगी की खूबसूरती रंगीन करते हैं? सर, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है लेकिन थोड़ी देर में। सर, आप इस तरह जमीन पर? यहाँ से गिरने का डर नहीं होता। आई एम सॉरी, प्लीज अंदर चलिए। ना, फिर कोई कांड कर बैठूंगा, सर फिर आए इंसान हूँ, फिर आप पुलिस को बुलाएंगी, मैं नहीं अंदर आता। गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसे थोड़ी चलेगा, कान पकड़ के बोलो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उठक बैठक करके बोलो। ओके, गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। सलाम करके बोलो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से। ओके, गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। चलो। मैं भी यहाँ मच्छरों से रात भर गुप्तगू करना नहीं चाहता था। अच्छा, चलो चलो चलो। आइए। भूख तो लगती है ना जी। तन की हो, मन की हो, दिमाग की हो, आधा खाया आधा रह गया। रुकी रुकी, यहाँ बैठी सर प्लीज। एक सेकेंड, आई थिंक वो बेटर है, पंखे की हवा। पहले पुलिस का डर दिखाया, फिर पागल खाने भेजने की धमकी थी, आखिर में तो धक्के मारकर निकाल दिया, फिर अभी यहाँ बैठो, वहां बैठो, यहाँ बैठो,
कमाल का अंदाज है आपकी मेहमान नवाजी का। लखनऊ के नवाब भी शर्मा जाए आपके सामने। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जी बिल्कुल। अब देखिए सोनिया जी, जब अपनी टूटी फूटी हिंदी में हमसे मुखातिब होने की कोशिश करती हैं तो दिल को छू जाती है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जुबान में हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, हैं? अब मोदी साहब है, अवाम को जब कहते हैं तो भाइयों अच्छे दिन आने वाले हैं, तो यकीनन लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हमारे वाजपेयी साहब है, उनका अंदाज ही निराला है। आओ फिर से दिए जलाए, भरी दोपहर में है अंधियारा, अंतर मन का देह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिए जलाए, आओ फिर से दिए जलाए। वाह वाह, कितनी आसानी से सपनों में खो जाते हैं आप। अरे सपने देखना तो हमारी आदत है। कैसे, आपने भी सपना देखा था कि निर्भय आएगा लेकिन नहीं आया? आप निर्भय को कैसे जानते हैं? निर्भय आएंगे या नहीं आएंगे इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पसीना पसीना हो गया हूं। आप जी, आप नहा लीजिए, पसीने की काफी गंध आ रही है। मजदूर का पसीना है, गंध मत कहिए। वैसे नहाने का आइडिया अच्छा है, बाथरूम कहाँ है? जी उधर, सॉरी इधर, सॉरी। केसरिया बाल मां नावो जे बाद में पधारो मारुदे। इतने बड़े राइटर हैं लेकिन हरकतें बच्चों जैसी, गाते निर्भय जैसे हैं लेकिन उनसे बेटर सुर में। देवी जी, मोहतरमा कहाँ हैं आप? जी जरा ये हमारा काल मापक यंत्र वहाँ मेज पर स्थापित कर दीजिए कृपया। धन्यवाद। फिकर मत कीजिए, ज्यादा पानी बर्बाद नहीं होगा। आजादी के इतने साल के बाद भी ये पानी गरीबों की प्यास का मजाक उड़ाता है। पलटिए मत, मैं बाहर आ रहा हूँ, मेरे बदन पे कपड़े नहीं है। अंग्रेजी में मिराज, हिंदी में मृग तृष्णा, उर्दू में शराब कहते हैं गरीब की प्यास को। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, तीनों लोकों में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। बहुत बड़े कवि थे, इनके सुपुत्र भी बहुत बड़े एक्टर हैं अमिताभ बच्चन जी, आप जानती होंगी। जी। गरीब एक मटका पानी लाता है और आधा मटका पसीना बहाता है, सांस फूलती है वो अलग से। अब सरकार इनके बसे बसाए घर उजाड़ कर वहां डैम बनाएगी, फिर इनको बसाने का वादा करेगी, घर के बदले में पानी मिलेगा। उन्नति के नाम पर चलती है ये चालबाजी। अब मुझे ये बताइए कि घर जरूरी है कि पानी? नहीं सोचिए, तब तक मैं बदन और जहन धोकर आता हूं। नहीं सोचिए, सोचिए, सोचिए। हमारी आदत ही है, हम बक बक ज्यादा करते हैं, सोचते कम है, पर सोचिए सोचिए। सवाल भी करते हैं तो निर्भय की तरह, घर जरूरी है या पानी? घर पानी, सोचिए, फॉरगेट इट। इसमें से तो निर्भय की महक आ रही है। इन सब में से महक आ रही है निर्भय की। ओके।
इसमें से भी निर्भय की महक आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उसने पहना भी नहीं है। मेरा वहम है। अरे आपने फिर वही कपड़े पहन लिए, मैं आपके लिए फ्रेश कपड़े लाई हूँ। मैं अपने कपड़ों में खुश हूँ, यही मेरी पहचान है। कपड़ों से भी किसी की पहचान बनती है क्या? नहीं बनती। अब गुलाब के साथ चाचा जी की शेरवानी, शास्त्री जी की धोती, काका जी का कुर्ता, जिंदगी कैसी है पहली हाय, हो गई ना पहचान, वैसे ही हमारी ये पहचान है। लेकिन नहाने के बाद तो फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए ना। लेकिन अपने, मेरा दिल ढकने के लिए मेरा शरीर, मेरा शरीर ढकने के लिए मेरे कपड़े। आपके पति के कपड़े पहनकर मैं उनका शरीर कैसे बनूं? आप बहुत उलझी बातें करते हैं, आप लेखक कैसे बने? बचपन की झूठ बोलने की आदत की वजह से। गांव खेड़े में पढ़ाई हुई है हमारी। मतलब हम कभी सीधे स्कूल पहुंचे ही नहीं। कभी इमली तोड़ी, कभी आम चुराया, कभी कंचे खेले। अब जाहिर है स्कूल में देर से पहुंचते थे, मास्टर जी कारण पूछते थे, तो फिर ऐसी झूठी कहानी रचाकर बताते थे कि बस। अब मेरे बचपन की कहानी में मेरे चाचा मामा इतनी बार मर चुके हैं। हालांकि मास्टर जी जान जाते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी बच्चों के साथ बैठने ही नहीं दिया। हमेशा बगल में लेकर बैठते थे, क्योंकि बार बार मारने के लिए कौन उठेगा। मेरी इस झूठ बोलने की आदत ने मुझे उपन्यासकार बना दिया। So, आप भी ना। चलिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। Let's go out. गोवा की रातें बड़ी रंगीन होती हैं। Come on. चले। इसी पे ऐतराज था ना? ये कैसे सर? ये मत पूछो कैसे। चलो। अरे ये अंगूर कहाँ से? हटी हटी, चल चल चल, अरे कुछ तो बोलो, चल भी लगेगा, चल इसको भी बचा लो। हटी भी प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज, हेल्प। क्या देख रहे हो? वो देख लेंगे। अपने आप में इतने मशगूल हैं, कुछ नजर नहीं आता होगा उन्हें। तुम फिर से डर गए? अच्छा अच्छा, पता नहीं है क्या, मैं कितनी बार ये नाटक कर चुकी हूँ और तुम हर बार फंसते हो। तुम्हारा ये डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। You look so cute. सारी बीवियाँ पतियों के डरे सहमे चेहरे देखना क्यों पसंद करती हैं? प्यार करते हैं दोनों। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करवा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये भी ठीक है। तुम कहो तो दिन रात रात दिन। I trust you. So cute. अगर प्यार को नापने का कोई पैमाना होता, लाओ तराजू लाओ, तो मैं अपना प्यार नाप के दिखाता। तो दिखा दे, आसमान की ऊंचाई से नाप ले, समुंदर की गहराई में डूब के दिखा दे। और एक और बात, तुम अगर एक झूठ हजार बार भी बोलोगी ना, तब भी वो मुझे सच्ची लगेगा। अभी ये लड़की पिघलकर इस बर्जर वट्टू को गले लगाएगी। माय बेबी। लगा दिया। प्यार के इस गधेपन में भी एक तरह का मजा है। लगे रहो, नई जनरेशन का नया स्टाइल कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सके, हमेशा इसी में अटके रहे कि लोग क्या कहेंगे। आपको भूख लगी थी ना? इनका पेट भर गया, हमने डकार ले ली। तुम भी इन्हीं की तरह पागल हो, ब्लाइंड डंकी इन लव, निर्भय के प्यार में। ओ ओ हेलो, सुनो तो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स बेबी। आपने मुझे ब्लाइंड डंकी क्यों कहा? और भी तो कुछ कहा, ब्लाइंड डंकी इन लव। प्यार वो पंछी है जो हर डाल पर नहीं बैठता। कहानी अब निर्भय नहीं आया, उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? जितना समझते हो उतनी आसान नहीं होती जिंदगी।
कहानी जिंदगी बरसात की सड़क की तरह होती है, कभी फिसलन कभी ठोकर। आपको पता है आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। खुशी का मौका है कि गम का? बेशक खुशी का, लेकिन आपकी खुशी को तो निर्भय ने बिखेर कर रख दिया, तोड़ दिए ना सपने। सालगिरह के दिन ही एब्सेंट रह गए मिस्टर निर्भय। तो क्या हुआ? सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं मेरे उपन्यास के कैरेक्टर जैसे। जी नहीं, निर्भय आपके उपन्यास का कैरेक्टर नहीं है, समझे ना? एंड प्लीज डोंट बी जजमेंटल अबाउट निर्भय। Don't be judgmental about Nirbhay. पता भी करवाया है, क्यों नहीं आया? सैलरी हाइक हुई है, फायदा किसको होगा, पड़ोसी को? लेकिन मेरी पहली एनिवर्सरी है। तो क्या हुआ, हम सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, नाचेंगे गाएंगे। गाओगी मेरे साथ? Yes, let's celebrate it for me and Nirbhay. मोहतरमा ताखिर ना करे, ऐसे खूबसूरत हसीन मौके बार बार नहीं आते। अगर आप हुक्म करें तो मैं अर्श से किसी फरिश्ते को हाजिर करूं जो इन लम्हों को आपके लिए थाम कर रख ले। खामखा हम इस बेरहम खतरनाक माहौल की फिक्र करते रहे तो खुशियां हमारी मुट्ठी से रेत के मानिंद फिसल कर खो जाएंगी। खुशी के इस मुख्तसर लम्हों में हम डूब जाना चाहते हैं। आप तशरीफ ले जाइए और जल्द से जल्द हाजिर होए, मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। ओह गॉड, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। शहंशाह जज्बात जो हूं मैं अभी आई। गम कमबख्त कहता है कि दुनिया में मोहब्बत नहीं है, दिल से तलाश करो खुदा भी मिल जाता है। गुस्ताखी हो गई यूसुफ साहब, बच्चा समझकर माफ कर देना। माफ कर दिया, माफ कर दिया। اتفاقاً Yeah.
Choukse do lamhe aage dil wo भी खुल जाएंगी घुल जाने दो मिल जाने दो ये रंगे इश्क खिल जाने दो बहका बहका महका कहानी किसी को जानने और पहचानने में फर्क होता है तुम निर्भय को जानती तो हो पहचानती नहीं इसलिए तुम उससे प्यार ही नहीं करती व्हाट डू यू मीन मैं निर्भय से प्यार नहीं करती क्या बकवास कर रहे हैं आप यू आर नॉट इन लव विद निर्भय यू आर इन द लव विद द आइडिया ऑफ लव बस शुरू हो गया जो जुबान पर आ रहा बोले जा रहे हैं आप लेखक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं मेरे निर्भय के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे आप बेवकूफ इडियट है आप इतनी जल्दी पता चला मेरी काबिलियत का आपके साथ जरा सा डांस क्या कर लिया खुद को निर्भय समझने लगे सुनिए अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती कैसे लेखक हैं आप लोगों की फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं निर्भय से प्यार नहीं करती यू आर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव वाह कैसी सोच है आपकी गलती मुझसे हुई है जो आपको छूने दिया घिन आ रही है मुझे खुद से आई हेट मायसेल्फ फॉर दिस नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर Never trust a stranger. But you can trust a mirror. किसी पे भरोसा करो ना करो आईने पे भरोसा कर सकती हो जब तुम रोती हो यह हंसता नहीं और तुम्हारी हंसी पे यह रोता नहीं Honest to the core, it's the reflection of your conscience. अब मैं निर्भय नहीं रहा ना तो उसकी महक रही अपना पहरन अपना पसीना अपना तन अपना मन मैं जा रहा हूं दरवाजा बंद कर लेना नहीं तो कोई आवारा हवा का झोंका अंदर आ जाएगा और सुबह तक आप टीवी की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगी सर प्लीज रुक जाइए दो बूंद नमकीन पानी औरत का सबसे बड़ा हथियार इसकी कदर करनी चाहिए गुड कैच सीनियर सिटीजन का आईपीएल होता है तो अच्छे भाव में बिक जाता कम ऑन हैव अ बाइट कड़वा है बिट्टर कड़वा है कड़वाहट है प्यार नहीं है जिंदगी में नहीं है ना मिलना चाहोगे उससे है कब से जानते हो उसे तब से जब से मैं अपने आप को नहीं जानता था मैं मिलना चाहती हूं कहां है कभी कभार मिलती है पूछती है कैसे हो मैं कहता हूं अच्छा हूं सुबह होती है शाम होती है रात होती है मैं अच्छा हूं पूछती है मेरी याद आती है मैं कहता हूं नहीं मैं तुम्हें रोज भूलता हूं कहती है जैसे थे वैसे ही हो मैं कहता हूं सभी तो वैसा ही है सुबह शाम रात सिर्फ उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगती सुबह को शाम अच्छी लगती है शाम को रात वो चुप मैं चुप मुझे जाना होता है
वो चली जाती है। फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। बहुत प्यार करते हैं। जब कोई तुम्हें अपने से बांटता है तो विश्वास होता है। उस विश्वास को कई बार हम तोड़ देते हैं। Do you know anything about dark corners? हमारे अंदर एक अंधेरा कोना होता है, वहां अकेले जाने से हम डरते हैं। ये डार्क कॉर्नर एक तालाब की तरह होता है, कभी कभी सूख जाता है, झुर्रियां आ जाती है। इन झुर्रियों के बीच की दरार से हमारा अतीत, हमारा प्रतिबिंब झांकता है, मासूम बच्चे की तरह। आप शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। लेखक जो हूं। चलिए। कहां? जिंदगी का हर पल आखिरी समझकर जीना चाहिए, तब जिंदगी का असली मजा आता है। Try to live it to your fullest. Cup. एक मिनट। कहां लेकर जा रहे हो? काठमांडू। आजकल की जनरेशन को हर चीज की जल्दबाजी रहती है। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये जो सफर है हमारे बीच का फासला कम कर रहा है। आ गई ना आपसे तुम पर, एक्सीडेंट हो जाएगा। जिंदगी का हर लम्हा हर पल एक्सीडेंट ही तो है। अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगता है आँख में कुछ समा गया। ओहो देखो। चलो हटो। हाँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुछ सुनहरे सपने हैं इसमें, कहीं भी कर न जाए। दिखी हो? कौन कौन दिखा आँखों में? मैं? तेरी मजाक करते हो। मजाक नहीं, इसी तरह तुम और निर्भय एक दूसरे की आंखों में अटक गए हो। आंख से दिल में उतरने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आज वो क्यों नहीं आया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। वहम है तुम्हारा, तुम्हारे प्रतिबिंब की परछाइयों को एक दूसरे में खोने दो तब ये दावा करना। मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, लेकिन तुम पीछे आओगी तो बेहतर होगा, नहीं तो ऐसे ही चला। सरकार सो रही है, कुत्ते जाग रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं बिना तनख्वाह के। दूसरों की जिंदगी में झांकने की आपकी बुरी आदत है। कलम का मुलाजिम हूं, झांकूंगा नहीं तो लिखूंगा कैसे? सारे अनुभव उधार की ही तो है, हमारे देश का भविष्य। चैन की नींद सो रहा है। आजादी के वक्त 35 करोड़ थे, आज सिर्फ 125 करोड़। पूरी जिंदगी बस एक बुंद छाव, एक बुंद धूप, एक बुंद पानी, इसी में चली जाएगी। मर जाएंगे एक दिन। सारी सरकारें बकरी की पूंछ हैं, न इज्जत बचा सकती है न मक्खी उड़ा सकती है। बाल कटा के सही लग रहा है, मैंने कहा था ना अच्छा लगेगा। तूने कहा और मैंने कटा लिया। बड़ा मर्दानगी का जोश दिखा रहा है, तेरे जैसे ना कई आए और गए। अच्छा तो तू भी कोई पहली नहीं है मेरे लिए, पहले भी आ चुकी है। वाह, नाज भी है तो किस बात पर? मेरे पहले भी थी। कौन थी? बोल कौन थी? बोल कौन थी? बोल चल मैं उठती हूँ। तू पहली है, तू ना एकदम चांद जैसी दिखती है, पूर्णिमा का चांद। मरद जब ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो चांद सितारे आलू टमाटर के भाव में बिकते हैं। ये जो फॉरेनर लोग तेरी नंगी तस्वीर खींचते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
तो ये सब पैसे के लिए करती है ना? एक बात और बोलूं, मैं तेरे जीवन में पहला मर्द नहीं बन सका, लेकिन आखिरी बनना चाहता हूं। आखिरी? अब ये आबादी के फरिश्ते शादी करेंगे। शादी से खुशियां मिलती है तो दुनिया में धोखा और फरेब होता ही नहीं, लेकिन इनकी शादी टिकेगी। नंगी बातें कर रहे हैं लेकिन दिल से। अब थोड़ा बहुत प्यार बचा है इन्हीं झोपड़ों में। सारे शहर तो जिंदा मकबरा बन चुके हैं। खुशी की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। एक दिन छत पे गया, एक छोटी सी चिड़िया फूल से उल्टा लटक कर चोंच से रस चूस रही थी। अचानक आकर मेरे कंधे पर बैठी। मैं कुछ सोच ही रहा था तो उड़कर मेरे सर पर बैठी और अपनी चोंच से मेरे बालों को गुदगुदाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी बूढ़ी माँ अपनी खुरदुरी उंगलियों से मेरे बालों को सहला कर मुझे सुलाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था मैं। आज तक उस क्षण को मैं भूल नहीं सका। मेरे लिए वही क्षण सुख था। चलो कुछ बनने और उलटने हैं। तुम्हारे लिए है। आज बहुत बातें की है ना, गला सूख गया होगा। जो लेने दिना सुखो तुम। तुम नहीं पियोगी? Come on, let's dance. नहीं। पियोगी नहीं, नाचोगी नहीं, लोग मरने के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। वो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। देखो, ये जो फॉरेनर होते हैं ना, इनके सामने कभी स्मार्ट नहीं बनने का, हमेशा इनोसेंट बने रहो। स्माइल के साथ फिर क्या है, माल भी कमाओ और मस्ती भी हो ही जाती है यार। सॉलिड टेक्निक है तेरी यार, मुझे भी सिखा दे भाई कुछ। सिखाऊंगा छोटे, तुझे भी सिखाऊंगा। साला अभी तक एक राज का बात बताऊं तुम लोगों को, इधर आ बोलना भाई। अभी तक ना मैं 25 कैश तो हो ही होगा। क्या होता ना, हर सीजन में 5 से 7 तो सेट हो ही जाती। गाइड हूँ, गाइड। एक बार जो किसी लड़की को मैंने राह दिखा दी, वो लौट के बार बार वहीं आती है। और राज की बात सुनो, बिना अंग्रेजी जाने बेवकूफ भी बनाओ, पैसे भी कमाओ और मजे भी करो। इसी बात पे भाई एक चेयर्स बनता है, लो आ जाओ। धंधा है भाई, धंधा। शर्म नहीं आती? प्यार को धंधा कहता है? ए, तू है कौन? मॉरल पुलिस है तू? गाली देता है तेरी तो? एक मिनट। गाली की कोई वजह होती है, कारण होता है, सबब होता है। मतलब गाली की एक अपनी परिभाषा है, मैं बताता हूँ। अत्याधिक क्रोध आने से शारीरिक हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की हुई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने हुए शब्दों का समूह है, जिसके उच्चारण से मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। Am I right? ए पंडित, सुन, तू निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे कान के नीचे एक बजाऊंगा। अरे तो जाहिर है, आप 4 लोग हैं, मैं फिर जाऊंगा। एक बाप के औलाद हो तो एक एक करके आ जाओ, पंजा लड़ाते हैं, फिर देख लेंगे। हार गया तो जितना चाहे उतना पीट लो। ए पंडित, बड़ा शौक है ना तेरे को पंजा लड़ाने का, चला पंजा लड़ा। हाँ चला जा। It's okay. Thank you. Please be seated. क्या पी रहे हैं अंकल? वाह,
राह कौन सी जाऊं मैं चौराहे पे लुटता चीर प्यादे से पिट गया वजीर प्यादे से पिट गया वजीर चलूं आखरी चाल की जाल कोई बिछाऊं मैं सपना जन्मा और मर गया बसंत ऋतु में भाग झड़ गया दो दिन मिले उधार में घाटे के व्यापार में चौराहे पे लुटता चीर प्यादे से पिट गया वजीर वाजपेयी साहब की कविता बच्चन साहब का घुसा बस औरत का जिस्म चाहिए इन लोगों को उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए क्यों हंस क्यों रहे हो तुम हाँ आई कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ लेकिन तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था गलती मेरी थी गलती किसकी थी मुझे नहीं मालूम हाँ लेकिन मुझे तो बीच में आना ही था क्यों प्यार हो गया मालूम नहीं लेकिन अभी भी आंखों में चुभती हो अच्छी लगती हो अपनी लगती हो बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते निर्भय ऐसा क्यों नहीं सोचता सोचता है अब तुम कहोगे फिर आया क्यों नहीं देखो कफन में जेब नहीं होती कब्र में सेफ नहीं होती और मौत के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते निर्भय की जिंदगी में दूसरी कोई औरत भी नहीं है फिर ये इतनी मारामारी किसके लिए कर रहा है सपने चुन रहा है तुम्हारे लिए चवन्नी से चांद तारों को खरीद के तुम्हारे कदमों में डालना चाहता है लेकिन इसी कोशिश में हजारों निर्भय अपनी कहानी से दूर जा रहे हैं और पलट कर देखो तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है यही कहना चाहती हो ना मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे इसी वक्त निर्भय से मिलना है इन फ्लेश एंड ब्लड तो फिर जाओ फिर तो उसकी पसंद की एक ड्रेस पहन कर आ जाओ आर यू सीरियस चेहरे से क्या लग रहा है चुप परेशान मत करो समझ में नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं तुम्हारे पास कोई ब्लैक ड्रेस है ओह यस Never loves it. कहा था ना तुम्हारी जिंदगी में मेरी अपनी जगह है फिर मुझे क्यों लगता है कि वो जगह दरिया में तैरती एक छोटी सी नाव जैसी है जो लहरों पर इधर उधर हिलती रहती है ये तो कोई जगह नहीं हुई ना मैंने तो बस सागर के विशाल सीने पर एक तिनके भर की जगह मांगी थी तुमसे पर प्लीज कुछ तो बोलो देखो तुम्हारी जगह वही है हाँ वक्त बदल रहा है वक्त को बांधकर रोक कर रखना चाहती हो तुम उसके बहाव का साथ देने को तैयार ही नहीं हो
गलत कह रहे हो तुम। मैंने स्वीकार कर लिया है कि वक्त आगे बढ़ रहा है, मैं देख रही हूँ और वक्त के मुताबिक चल रही हूँ, पर तुम दोनों जितना तेज नहीं भाग सकती। नहीं है मुझ में इतनी क्षमता, प्लीज प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो ना, देखो ये नाव पलट जाएगी और मैं डूब जाऊंगी, मुझे बचा लो। अरे नहीं, तुम यकीन मानो मेरा, तुम नहीं डूबोगी, मैं तुम्हारी नाव को डूबने नहीं दूंगा। किसी के भागने से वक्त नहीं भागेगा, वो अपनी रफ्तार से चलेगा मासूम बच्चे की तरह। कभी लड़खड़ाएगा, कभी गिरेगा, रोएगा, फिर उठेगा, हंसेगा। उसका एक अपना तरीका है, तुम्हें उसकी चाल चलनी होगी। नहीं, निर्भय, निर्भय भाग रहा है। निर्भय दुनिया से धैर्य और विश्वास खत्म होता जा रहा है। कुदरत भी इंसान के साथ रहते रहते सब्र का दामन छोड़ रही है। अब अफसोस तो इस बात का है कि आने वाली नस्ल को हम ये भी नहीं बता सकते कि ये विश्वास है, धैर्य किस चिड़िया का नाम है। अब धैर्य और विश्वास म्यूजियम में जतन भी तो नहीं कर सकते। टुडेज ट्रेजेडी। कहानी, ए, ए, कहानी, प्यार एक ऐसा वरदान है जो हर एक के नसीब में नहीं होता। आप उपदेश दे रहे हैं मुझे? आई एम नॉट अ गॉड मैन। जो दिन में प्रवचन, रात को कुकर्म और सुबह हवालात। सच के अलग अलग रूप होते हैं, सच आभास होता है। देखो जैसा हूं वैसा दिख रहा हूं, शांत स्थिर। हवा का एक झोंका आ गया, मचलने लगा मन। वो भी आभास था, ये भी आभास है। हम उस आभास को सच मानते हैं जो हमारे स्वार्थ में होता है। बड़े खुदगर्ज होते हैं हम, जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिसे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। अब तुम्हारा कहना है तुम अपने आप को जानती हो, कभी तलाशा है खुद को? माफ कीजिएगा, मैं खुद को भी जानती हूँ, निर्भय को भी। वो जानबूझकर सताता नहीं है मुझे, बस उसे हो जाता है। देखो जब किसी को जानना है, किसी की चाहत को पहचानना है, जरूरी है कि पहले खुद को पहचानो, वरना चलते रहो जिंदगी भर रेल की पटरी की तरह, मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं तुमसे जब पहली बार मिला तब मैं 25 साल का था।
और मैं 22 साल की थी। मतलब मैं 25 साल की जिंदगी जी चुका था। मेरा एक पास्ट है जिसे मैं काट कर फेंक नहीं सकता। भूलना चाहता हूं मैं, लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं देती। जब भी हम अकेले रहते हैं तुम माया को बीच में क्यों लाती हो? मैं उसे बीच में नहीं लाती, वो हमारे बीच में है। प्राइवेट हम दोस्त भी नहीं थे, हम सिर्फ एक क्लास में पढ़ते थे। वी वर क्लासमेट्स, दैट्स ऑल। तुमने उसे कभी चिट्ठी नहीं लिखी? हाँ लिखी, चिट्ठी लिखी, लेकिन क्या चिट्ठी लिखी? क्या लिखी थी? एक लड़का एक लड़की को चिट्ठी में क्या लिख सकता है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे सामने तुम्हारा मजाक बनाया था और तुम चुप खड़े रहे। अगर कोई खास बात नहीं थी तो 20 साल से तुम मुझसे चुप क्यों हो? क्यों मुझसे सच छुपा रहे हो? अरे पिछले 20 साल से मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हम दोस्त भी नहीं थे। हमारे बीच कुछ भी नहीं था। अगर ये सच है तो वो हमारे बीच में क्यों है? क्यों नहीं वो यहाँ से जाती? और शादी के बाद तुमने मुझे माया के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारे दोस्तों से क्यों पता चला? क्या बताता मैं? और क्या सुनती तुम? क्या सुनती? मैं उसे भूल गया हूं, भूल गया हूं मैं उसे। तुम और क्या क्या भूल गए हो? तुमने मुझसे और क्या छिपाया है? मेरा तुम पे से विश्वास उठ गया है। जानो मेरे खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। तुम वो सच? अधिकार खो चुके हो। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ प्लीज। डर लग रहा है। ये गोली ले लो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माया तुम्हें मिल जाएगी। प्लीज शांत हो जाओ, गोली ले लो प्लीज। ये माया तुम्हारे पास आ जाएगी वापस। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम गोली ले लो। मुझे डर लग रहा है। गोली खाओ, मुंह खोलो, गोली खाओ। प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, मैं माया को हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। मैं माया को हमारे बीच में कभी नहीं आने दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं माया को जानती हूँ, उसे मरे 10 साल हो चुके हैं। शक कभी मरता नहीं। लेकिन माया शक का एक रूप है। अभी अभी जो बर्तन टूटे वो बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन जो विश्वास टूटा है वो किसी दुकान में नहीं मिलेगा। हमारे भूत का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन वो भूत हमारे वर्तमान में जिंदा रहता है। ये दोनों एक विश्वास की तलाश में है। कहानी तुम्हारा कोई पास्ट है? हाँ? जहां जाने से तुम्हें डर लगता हो? हमारे बीते हुए कल का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हमारे आज को झिंझोड़ देता है। सुनो, मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती। आजकल के रिश्ते इस आइस क्यूब की तरह है, पानी में गिरे और अपना वजूद खो बैठे। चल चांद दिला दू तुझको मैं हेवन दिखा दू तुझको मैं।
जब दुनिया बेचती है मैं खरीदता हूँ, जब दुनिया खरीदती है मैं बेचता हूँ, दोनों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा। मेरी खुशबू ने मेरा पता बता दिया ना? मेरे साथ चलोगे? हाँ? सुबह वापस आ जाना। No sentiments, no commitments. You have a nice body, and so is mine. चप्पे चप्पे बढ़ते देखो पर्चे हैं मेरे। भीड़ जाओ जो तुझसे अगर ढिंचक बना दूँ। You love me? I love my husband. But he loves shares. काहे सारू में पैसे कमाए, मुफ्त में मेरी आंखें पिलाए। नर्वस हो? हूँ तो, पर वर्जिन नहीं हूँ। काहे बोते से इश्क लड़ाए। तुम क्यूट भी हो और ऑनेस्ट भी। भीड़ जाऊँ जो तुझसे अगर ढिंचक बना दूँ। बना दूँ, बना दूँ, बना दूँ। लेट्स गो। Nobody is virgin in this world. यहाँ तक कि कुदरत भी वर्जिन नहीं है। ऊपर बादल एक दूसरे से छेड़खानी करते हैं, नीचे हम भीग जाते हैं। कहते हैं बारिश हो गई। मैंने कहा था ना, मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती। Yeah, please come. तब आज मैं जिन जिन लोगों से मिली उनमें मुझे मेरी परछाई नजर आई, लेकिन मैं उन सबसे अलग हूं। वन मैन वुमन। फिर ऐसा क्यों? वो सब छोटे छोटे टुकड़े हैं तुम्हारी हार के, तुम्हारी जीत के। कभी कभी हम उनसे जानबूझकर हारना चाहते हैं जिनसे हम हमेशा जीत जाते हैं। तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा कोई पास्ट है कि नहीं। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। जब भी वो घर आते मैं उन्हें छुप छुप के देखती। उन्हें देखने के बाद मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर मैं बड़ी हो गई और मुझे अपने आप से भी शर्म आने लगी, लेकिन मैं उनको नहीं भूल पाई। वो मेरा पहला क्रश थे। क्रश? अपनी कहानियों में भी सही मायने में इसका अर्थ मैं लोगों को समझा नहीं पाया आज तक। इस क्रश के बारे में निर्भय को तो बताया होगा? नहीं। उसे तो हर बात बताती हो, ये को नहीं बताया? बस नहीं बताया। अच्छा किया नहीं बताया। ऊपर वाले ने इंसान को भूलने की ताकत दी है, लेकिन इतनी भी नहीं। ऐसी बेमानी बातें कुरेदती रहती हैं,
आने वाले कल से गुजरे हुए कल की मुलाकात ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन मैं उनको भूल नहीं पाई हूँ। भूल भी नहीं पाओगी, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। ऐसे सुनहरे अछूते पल हम किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते। निर्भय से छिपाकर उन पलों की पवित्रता बचा ली तुमने। कहानी अपने अंदर की रिमझिम को रोको मत, बहती रहोगी, सागर से मिलोगी। मुझे डर सा लग रहा है। अक्सर लोग ऐसे रिश्तों को समझ नहीं पाते, गलत फहमी की धुन जमा हो जाती है, उसे दूर करना असंभव होता है। लेकिन मैं तब भी जानती थी कि एक दिन निर्भय आएगा। मैं ये भी जानती थी कि वो कौन है, कैसा है, बस उसे देखा नहीं था। तुम अपने आप को नहीं जानती? मैंने कहा ना, जानती हूं। तुम्हारे कहने से क्या होता है, साबित कर दो। ये जो तुम्हारा शरीर है, इसमें तुम कहां? अरे मैं ही तो हूं। कहां हो? आंखों में? ये आंखें चली जाएंगी तो तुम नहीं रहोगी। कहां हो? मुट्ठी में, पैरों में, पेट में, मुंह में, कहां हो? कहीं भी नहीं हो, फिर भी हो। तुम हो या शरीर है? चलो मान लिया कि तुम खुद को जानती हो, तो क्या तुम अपने शरीर को भी जानती हो? कहां दर्द है? कहीं नहीं, यहां है। अभी तो कहां दर्द नहीं है, अभी गया। तुम और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें एक दूसरे को पहचानने के लिए वक्त देना पड़ता है। निर्भय को तुमने सिर्फ शरीर दिया है, जो तुम्हारा अपना नहीं है, खैरात में मिला है, जिसे तुम जानती तक नहीं। शरीर की सीमाएं होती है, बीमार होता है, थक जाता है, भूख लगती है, सोता है, जन्म लेता है, कुछ पल यहां गुजारता है, मर जाता है। चाहत का इन चीजों से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। चाहत की न उम्र होती है न मौत। पैशन इज इमॉर्टल, चिरंजीवी है। तुम्हारी कोई चाहत है? इमॉर्टल कहाँ है? यहां है, यहां है, वहां है। दरे दारे 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 दारे
explain this to me. क्यों बुलाया तुमने उसे? क्यों दिखाया वो सब जो शायद मैं करना चाहती थी? That passion, that satisfaction in her glowing eyes. तुमने देखा? तुमने देखा वो कैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी? कुछ तो बोलो. चुप क्यों हो? Are you listening? जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो कभी मेरे पास नहीं होता. मैं मरना चाहती हूं. तुम सुन रहे हो ना? कुछ बोलो. तुम बहुत ही सेल्फिश हो. तुम खुद अपने साथ नहीं हो, दूसरा कोई क्यों रहे? एक शरीर बन के रह गई हो, सीमित हो गई हो एक दायरे में. इस दायरे को तुम्हें तोड़ना होगा. असल जिंदगी तो शरीर के परे शुरू हो जाती है. अब रही बात मरने की, तो पूरी तरह जियोगी नहीं तो मरोगी कैसे? निर्वाण के उस क्षण में अपने आप को समर्पित कर दो. कहानी ये द्वंद्व तुम्हारा किसी और से नहीं है, अपने आप से है. पल्ले नहीं पड़ रहा झगड़ा किस बात का है. सब कुछ है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम अपने साथ नहीं हो. जिस दिन अपने आप को ढूंढ लोगी यह द्वंद्व खत्म हो जाएगा. शरीर की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मन तृप्त हो जाता है. आसमान में बैठा हमारा बाप बड़ा नटखट है. शरीर के साथ आत्मा भी बड़ा अच्छा मजाक उड़ाया है हमारा. जिंदगी भर हम शरीर से प्यार करते रहते हैं. वापसी के रास्ते पर जब आत्मा से पहचान होती है तो गुजरी जिंदगी खोखली लगती है. I'm really sorry, Kahani. शायद मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था. Happy anniversary. Thank you. सो गई थी तुम? नहीं, एक सफर पर चली गई थी. अब पता चला. You were born to love me. And say goodbye.
तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलोगी। ये तो नागार्जुन। देखो ये आधा खाया सेब अभी तक पड़ा है यहाँ। अब सेलिब्रेट करें। ओके। धीरे धीरे लबों की लरजिशें संभल जाएंगी, वो हौले हौले दिल की सिलवटें भी खुल जाएंगी। Knocking on my door.
सका दे।